हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा ये सैयद है, ये सैयद है, यानी ये बड़े मान का मुजाहरा करेगा, सब कुछ होते हुए ये अपने पुस्ते दस्तबरदार होगा। और आखिरी में हदीस बयान कर दूं कंक्लूड करने के लिए, अबू दाऊद में 4131 नंबर हदीस है जिसे शेख अल्बानी शेख जुबैर लिज़ई दोनों सही कहते हैं। ये पूरा पोल खोल दे कि किस तरह हसन इब्ने अली के कत्ल के बेनिफिशरी कौन हुए, हसन इब्ने कत्ल अली को कत्ल करवाने वाले कौन लोग थे। मिकदाम बिन आदी कत कहते हैं कि मैं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के पास शाम में हाजिर हुआ, उसी दौरान हसन इब्ने अली की शहादत की खबर जब पहुंची तो मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त जो सामने हाजिर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तू हसन की मौत को मुसीबत शुमार करता है। अल्लाहु अकबर, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। तो मिकदाम बिन आदी कत को गुस्सा आ गया, वो उन्होंने जीजी साहब की वीडियोज नहीं देखी हुई थी, उन्होंने नबी इस्लाम की सोहबत की थी, उन्होंने कहा कि मैं हसन की मौत को मुसीबत में जानूं कि नबी इस्लाम जानों पर एक तरफ हसन को उठाते थे दूसरी तरफ हुसैन को उठाते थे, हसन से है, हुसैन अली से है। बस हो गया, बस मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगु सुनी है, तारीख नहीं है 4131। मैंने इंजीनियर साहब जो गुफ्तगु सुनी इसका जवाब बयान फरमा रहे हैं।